Look at here, guys. सोच लिया है कि मैं इसको कैसे स्टाइल करूंगी. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. तो लेट्स गो, आज के दिन के साथ आज का ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं करूंगी अपनी स्किन केयर. बाय द वे गाइस, कल मेरे सारे पार्सल आ चुके हैं. मैं इनको अलग अलग जो है वो जमा कर रही थी ताकि मैं एक व्लॉग बनाऊंगी एंड आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी. ऐसे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप जो लेती हैं वो आप हमारे साथ शेयर क्यों नहीं करती, हमें क्यों नहीं दिखाती. बस मैंने सोचा कि बस पार्सल आते जाए. दो तीन शर्ट्स मैंने ऑर्डर की थी, साथ में ज्वेलरी भी ऑर्डर की थी, तो सारे पार्सल्स आ चुके हैं. तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आपकी ये शिकायत भी दूर करती हूँ. अच्छा, जो यहाँ पे मैं कहवा पी रही हूँ इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं कहवा रेसिपी के नाम से. एंड थैंक यू सो मच गाइस, मुझे हमेशा आप लोगों के कमेंट से हेल्प मिलती है. मैंने एक इशू किया था आप लोगों के साथ कि मेरा वेट जो है वो स्टक हो चुका है, तो कोई कमेंट आया था कि आप अपनी रूटीन चेंज करके देखें, आप सेम रूटीन वाइज सेम ही फूड खा रही हैं तो इसी वजह से भी स्टक हो सकता है. तो बस आज देखें, मैं चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ एंड मैं प्रोटीन डाइट कर रही हूँ, तो उसमें चीज़ अलाउड होती है, लाइक लिमिटेड अलाउड होती है. ऐसे नहीं कि आप हर खाने में चीज़ ऐड करें. अच्छा, मेरा चीज़ ऑमलेट बहुत ही बेसिक सा होता है. उसमें मैं बस नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ. आपने देखा होगा पानी ऐड करने की वजह से थोड़ा सा फ्लफी बनता है. अच्छा, मैं कहीं पे वीडियो देख रही थी कि ये आप सारे मसाले मिक्स करके थोड़ा सा अंडे को साइड पे रख दिया करें ताकि थोड़ा सा वो सेट हो जाए तो अच्छा बनता है. आई डोंट नो कि ये बाकी सही है या नहीं, लेकिन करके देखते हैं, क्योंकि मुझे वैसे ही अपनी कॉफ़ी बनानी थी. मैंने कहा कॉफ़ी बना लूँ और फिर जो है मैं फ्राई करती हूँ. अच्छा, ऑयल की जगह मैं बटर यूज़ कर रही हूँ. बाय द वे, ये आपस की बात है, मैं मुझे बताने में बहुत हंसी आ रही है. मैं कुछ भी बना लूँगी दुनिया में, लेकिन मुझसे जो है ना ये अंडा नहीं बनता, पता नहीं क्यों. मतलब मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बना लूँ, हर चीज़ ऑर्गेनाइज. आपने देखा मैंने इसको सेट भी किया हर चीज़ की, लेकिन देखें मतलब मेरे हाथ में अंडा नहीं आता, पता नहीं क्यों. मैं बहुत चीज़ें बना सकती हूँ हर चीज़, लेकिन ये भाई देखें टूट गया. हमेशा मेरे साथ ये होता है, ये कभी जो है ना मुझे ये पसंद है खाना, ना मुझसे बनता है सही तरीके से. लेकिन दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही बेसिक चीज है जो हर लड़के को भी आती होगी, लेकिन मैं क्या करूं, डाइट की वजह से खाती हूं. हमेशा मैं जो है अंडा कहती हूं मामा को कि वो मुझे बना के दे, और मैं कराची में थी तो तकरीबन मुझे उरूच बना के देती थी, क्योंकि दिस इज अ वेरी हार्ड थिंग फॉर मी. अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट रूटीन वाइज मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं वॉक का टाइम और बढ़ा दूँ ताकि जल्दी वेट लॉस हो. अब चलते हैं ऊपर एंड करते हैं अनबॉक्सिंग. करेंगे अनबॉक्सिंग, और जो अनबॉक्सिंग जो है मैं काफ़ी दिनों से जमा कर रही थी कि सारे मेरे ऑर्डर्स आ जाएं, तो इकट्ठे में एक ब्लॉग बनाऊंगी अपनी शॉपिंग हॉल का. तो चले अब स्टार्ट करते हैं. पहले हम ओपन करेंगे सना सफीनास का ऑर्डर, देखते हैं इसमें क्या है आप लोगों के लिए, मतलब आपको देखने के लिए क्या मिलता है तो मेरे लिए. तो सबसे पहले इसको देखते हैं. अ वेरी प्रिटी पिंक ड्रेस. वैसे आजकल ना मुझे पिंकिश कलर्स बहुत पसंद है, और ये जो है वन ऑफ माई फेवरेट कलर, तो ये सूट भी बहुत करता है. और इसको मैंने स्टाइल सोच लिया है कि मैं इसको कैसे स्टाइल करूँगी. अभी इसको ओपन करते हैं. सो लुक एट हियर, दिस इज माई ड्रेस. इसकी यहाँ पे डिटेलिंग हुई हुई है पर्ल्स के साथ. गाइस लुक एट द स्लीव्स, डिटेलिंग होती है ना सना सफीनास की. दूसरा पार्सल ओपन करते हैं. कैन सी क्रॉस स्टिच, ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारे मेरी अनबॉक्सिंग कैसी लगी. लेकिन ऐसे कलर्स की ड्रेसेस भी मेरे पास बहुत हैं. ये शॉपर की क्वालिटी है वो सना सफीनास से ज़्यादा बेहतर है. थोड़ी सी नरम नरम सी है, वो खरखर उसमें बहुत था. ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है काफ़ी मैटर करती हैं. एंड लुक एट दिस गाइस, दिस इज द सेकंड शर्ट. और ओह शिट, ये तो उसका निकला हुआ है. वेरी बैड, वेरी बैड.
इसको मुझे अब जोड़ना होगा या फिर मैं टेलर को दूंगी, मुझे करके दे। यू कैन सी ये सारा इसका निकला हुआ है। ये क्वालिटी शॉपर की क्वालिटी उन्होंने रखी है, लेकिन इस क्वालिटी पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ओके, लुक एट द शर्ट। ये शर्ट है इसकी, एंड इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन है, इस पर भी बहुत अच्छी डिटेल्स की हुई है। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इनका ये सारा जो है ना निकला हुआ था, तो उसको बस हम स्टिच करवाएंगे। एंड ये स्लीव्स जो है लॉन्ग टाइट स्लीव्स जो होती है ना वो है। एंड लुक एट द डिज़ाइन ओवर हियर, यहाँ पे सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये पूरे शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है। डू यू थिंक गाइस, ये मैं क्रॉस स्टिच वालों को पिक्चर निकाल के भेजूं या फिर इसको बस सही करवा दूं, क्या करना चाहिए मुझे जरूर बताएं। अब बारी आती है ज्वेलरी की, जो कि देखते हैं किस तरह से आई है। आई होप बिस्मिल्लाह करके ओपन कर देंगे, ये सही तरह से ज्वेलरी आई हो, कुछ खराब ना हो इस ज्वेलरी में। ब्रेसलेट अच्छा है, नॉट बैड। मैंने ये ऑर्डर की है तीन कलर्स में, वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन। तो मैं अभी आपको ग्रीन भी दिखाती हूँ। दिस इज अ ग्रीन, आई लव इट, बहुत अच्छी आई है। नेकलेस में स्पेंडेंट में कि ये दोनों तरफ है, चेंज करके पहनेंगे तो इट विल बी वाइट, एंड साइड चेंज करके पहनेंगे तो इट विल बी ब्लैक। लेट्स ओपन इट। यहाँ से ये ब्लैक कलर में है, एंड इसको अगर उल्टा करें तो ये वाइट कलर में है। लेट मी शो यू, कैन यू सी इट? नहीं, ये ब्लैक है। अगर मैं इसका साइड चेंज करके पहनूँ लाइक दिस वे तो ये वाइट है। लुक सो प्रिटी ना, लुक सो नाइस। एंड द लास्ट थिंग वी गॉट इज वेयर इट, दिस इज द बैंगल। लुक इट हियर गाइस, ये तीनों मैंने पहन लिए हैं, जो कलर्स मुझे चाहिए थे मैंने ऑर्डर किए। द बैंगल इटसेल्फ लुक सो सो स्टनिंग, मुझे बहुत ही ये अच्छे लग रहे हैं। ओह माय गॉड, शुक्र है अच्छे निकले, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर में हमेशा ये होता है ना कि आप ऑर्डर करते हैं लेकिन पता नहीं होता आपको कि चीज़ कैसी आएगी। सो हेयर इट इज़, नाइस वन, मुझे बहुत पसंद आया ये, माशाल्लाह लुक सो नाइस। ओके, ये आप जो है साथ भी पहन सकते हैं एंड अपनी ड्रेसेस के हिसाब से भी पहन सकते हैं। अभी मेरे पास एक वाइट ड्रेस है जो कि मैं पहनूँगी, और उसके साथ मैंने सोचा है कि मैं ग्रीन वाला पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ग्रीन एंड बैंगल पहना जाए, साथ वॉच पहनी जाए तो ये काफ़ी एलिगेंट लुक देता है। एंड ब्लैक एंड वाइट तो आपको पता है हर ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं। सो दीज आर लिटिल स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रूमिंग में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप छोटी छोटी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट आता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ग्रूम होती है। सो दैट्स ऑल, ये था मेरा बस अनबॉक्सिंग और अब मेरा शॉपिंग हॉल। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ओह लुक एट द रिंग गाइस, दिस इज सो प्रिटी, कैन यू सी द क्वालिटी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये भी बहुत ही प्रिटी लगेंगे पहनने हुए। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो बस मैं ये गाउन ही पहन लेती हूँ ट्राउज़र टी शर्ट के ऊपर, क्योंकि अब मुझे बहुत सस्ती हो रही है अनबॉक्सिंग करने के बाद कि कौन अब न्यू कपड़े निकाले और उसको आयरन के लिए दे ये वो। तो बस ये गाउन इज़ अ लाइफ सेवर, इसको पहनते हैं एंड फिर चलते हैं। अच्छा गाइस, बाहर हमें थोड़ा बहुत काम था, हमें चिकन लेनी थी और फ़िश लेनी थी। फ़िश तो हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली, तो चिकन तो शुक्र है मिल गई, बिल्कुल भी नहीं थी घर पे। एंड यहाँ पे देखें ये कैसे रॉन्ग वे पे आते हैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ लेके, लाइक आपको क्या कैसे गट्स कैसे होते हैं आपको, और फिर आप लिटरली लाइटें देते हैं, तो इट्स वेरी अनफेयर। बस हमने रास्ते में कचौरियाँ ली, मामा और हनी ने खाई। आई एम ऑन अ डाइट, दिल तो मेरा बहुत था लेकिन बस मैंने दिल पर हाथ रख दिया और अब चलते हैं घर। एंड वी आर बैक टू होम। इस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी, मैंने सारा अपना रूम उल्टा सीधा कर दिया था क्योंकि आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरी आई वॉच कहीं भी नज़र नहीं आ रही। सच में मैं बहुत परेशान हो रही थी, मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी। एंड दैट वॉच वॉज सो क्लोज टू माई हार्ट, ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की थी। गाइस आई हैव नो आइडिया मैंने कितनी दुआएं की कि मुझे ये मिल जाए। वॉच का मसला नहीं होता, बस मसला ये होता है कि कुछ चीज़ों के साथ आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। और जिस टाइम मुझे ये वॉच मिली थी, मुझे वॉच इस वॉच का बहुत ही शौक था और मुझे बिल्कुल सरप्राइज मिल गया था जब वो लेके आया था। तो कोई कोई ऐसी चीज़ें होती है ना जिनसे आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। मैंने देखे सारा
सारा बॉक्स उल्टा पुल्टा कर दिया कि मे बी मैंने इसमें रख दी हो, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं था। एंड अगर मुझे नहीं मिलती ना, आई वॉज अबाउट टू लिटरली क्राई। बस मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रही ये वॉच। फिर आपको पता है वॉच कहाँ से मिली? ये वॉच जो है मेरी बेड मैट्रेस के नीचे चली गई थी, क्योंकि मैं उतार के हमेशा अपने पिलोज के बीच में रखती थी ताकि ये स्क्रैचेस वगैरह ना आए। तो बस देखिए अभी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। एंड देखिए यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ और किचन में बन रहा है आलू गोश्त। बस मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर रही क्योंकि ये बना रही थी मामा, और ये बहुत ही मज़े का बना है, देखें आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने जो है गरम और कड़क रोटी बनवाई थी, बिल्कुल छोटी सी। ओके गाइस, सो दिस वाज माय व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय व्लॉग। यहाँ पे देखें मैं आफ्टर डिनर अपनी वॉक कर रही हूँ। बस इसी के साथ मुझे दे इजाजत, अपना रखे बहुत ज्यादा ख्याल। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।